इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर पर डे एक एक फ्रेज और उसकी मीनिंग के साथ हम उसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे, ठीक है ना। हो सके तो रोज़ ही आएगा ये वीडियो कुछ दिनों तक। जैसे कीप गोइंग, इसका मतलब होता है कंटिन्यू, यानी आगे, एक तरीके से आप बोल सकते हो ऐसे आगे बढ़ते जाना। आगे कैसे, आगे बढ़ते जाना, तो उसको हम बोलते हैं कीप गोइंग, ठीक है ना। चलिए अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, इसको स्मॉल करते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको एग्जांपल, क्या लिखा है, एक्सक्यूज़ मी, रुकिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ तो आपको दिखेगा क्या लिखा है। एक्सक्यूज़ मी मतलब एक तरीके से कहते हैं सुनिए, आई एम लुकिंग फॉर लीज़ लाइटिंग मतलब लीज़ लाइटिंग कंपनी का नाम है। तो ये लड़की जो पूछ रही है, देखो दिख रहा है ना एरो, ये लड़की पूछ रही है इस आदमी से कि एक्सक्यूज़ मी आई एम लुकिंग फॉर लीज़ लाइटिंग, मैं लीज़ लाइटिंग को मतलब देख रही हूँ, अर्थात मैं लीज़ लाइटिंग मतलब जाना चाहती हूँ। बोलते ना आई एम लुकिंग फॉर, तो किसी चीज़ खोज करने के लिए आप लुकिंग फॉर का यूज़ करते हो कि मैं खोज कर रही हूँ किसकी, लीज़ लाइटिंग की, मतलब वो लीज़ लाइटिंग के पास जाना चाहती है, ठीक। अब आगे देखते हैं, लिखा है जस्ट कीप गोइंग, क्या लिखा है, जस्ट कीप गोइंग को हम थोड़ा और नॉर्मलाइज कर लेते हैं, क्या लिखा है, जस्ट कीप गोइंग बस आगे रुकिए, बस आगे बढ़ते जाओ, जस्ट कीप गोइंग आगे बढ़ते जाओ। देखो तो आगे जब वो बढ़ेगी तो ये आगे आपका लीज लाइटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ जस्ट कीप गोइंग मतलब, कीप गोइंग मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू करना। और एग्जांपल देखते हैं, चलिए देखिए दो एग्जांपल और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोर एग्जांपल। कैन आई स्टॉप रनिंग, क्या मैं रनिंग को रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ। बी कहता है नो कीप मूविंग, नहीं आगे बढ़ते रहो, यू नीड द एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज जरूरत है। जब पहले दिन जिम जाते हो तो आपको एक्सरसाइज करवाया जाता है तो आप थक जाते हो, बोलते हो कि कैन आई स्टॉप रनिंग, क्या मैं दौड़ना बंद कर दूँ या क्या मैं ये काम करना बंद कर दूँ। तो जो ट्रेनर होता है वो क्या कहता है, नो कीप गोइंग, नहीं करते रहो मतलब कंटिन्यू करो। तो यहाँ आप कीप गोइंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू की जगह। नेक्स्ट चलते हैं, बी कह रहा है शुड वी स्टॉप वर्किंग एट 6 o'clock, क्या हम काम 6 बजे तक ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो ये सॉरी, शुड वी स्टॉप वर्किंग एट 6 o'clock, क्या हमें अपना काम 6 बजे तक कर लेना चाहिए, ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है नो, लेट्स कीप गोइंग अनटिल 8 o'clock, नहीं 8 बजे तक इसे चलने दो। मतलब जो हमें, जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें काम 6 बजे तक करना चाहिए, रोकना चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं काम चलने दो, मतलब काम 8 बजे तक चलने दो। तो कीप गोइंग मतलब क्या समझ रहे हो, कंटिन्यू, ठीक है ना। होप आपको समझ में आ गया हो पूरा वीडियो, कहीं डाउट परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे रोज। होप आपको ये वर्ड और उसकी मीनिंग समझ में आ गई हो, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।